वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब अशोक का वो पढ़ाव जहां पर सभी को इंतजार होता है अपने सवालों के जवाब का। निसरीन मामा जी हमारी आज की मेहमान हमारे साथ बनी हुई हैं जो आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगी। और निसरीन प्रमोद शुक्ला साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। शुक्ला जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा, रिटायरमेंट के लिए आपको चाहिए 5 करोड़ और अभी आप 25,000 की SIP कर रहे हैं सर। मैं फंड्स के नाम दोहरा देती हूँ, चेक कीजिएगा। ICICI प्रू का भारत 23 फंड ऑफ फंड है और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, क्वांट का लार्जर मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप है। और 20 से 22 साल तक आप जो निवेश करना चाहते हैं, रिस्क एपेटाइट आपकी बहुत हाई है और क्लियरली एक ही गोल आपने दिया है रिटायरमेंट का सर। कुछ और सवाल आपका इसके अलावा, निवेश को क्या बढ़ा पाएंगे? फिलहाल आप 25,000 कर रहे हैं लेकिन जब भी मुमकिन हो सकेगा आप बढ़ाने की क्षमता रख पाएंगे सर? मैम अभी इस टाइम मेरी करंट SIP 30,000 की है। 30,000 रुपए की है? हाँ जी हाँ जी। हमारे पास जानकारी जो है वो 25 की है सर। 30 में क्या एक और फंड ऐड किया है? नहीं मैम, इसी में निवेश किया है। अच्छा इसी में, ठीक। मैम ये जानना चाहता हूँ जो ICICI प्रू का भारत 22 फंड ऑफ फंड है, ये मुझे रखना चाहिए या चेंज करना? ठीक है, चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। वैसे फंड मिक्स तो आपका ठीक ही लग रहा है, बहरहाल निसरीन बताएंगी। तो निसरीन अब ये SIP अपनी जो है बढ़ा चुके हैं, 30,000 बोल रहे हैं, इन्हीं फंड्स में इन्होंने अपना निवेश जो है वो बढ़ाया है। फंड्स को लेकर आपकी क्या राय है और 5 CR का टारगेट 20 से 22 साल में अचीव करना हो तो ये राशि पर्याप्त होगी निसरीन या बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा? जो इन्फॉर्मेशन दे मुझे पहले मिला था वो 25,000 SIP के हिसाब से है। ICICI अप्रूव भारत 22 फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड सो दैट टोटल अमाउंट 25,000 है। तो उनको डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए। अभी उन्होंने ऐसे भी 5,000 इंक्रीज किया है तो ज्यादा उनकी जो थोड़ी ओवरलैप है स्मॉल कैप फंड में, निपॉन एंड क्वांट दोनों कर रहे हैं तो वो एक को डिलीट करके एक वो थेमेटिक फंड ऐड कर सकते हैं विच इज ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। जो थेमेटिक फंड है दैट इज टेकिंग बॉटम अप अप्रोच वेयर बॉटम डाउन अप्रोच वे पहले सेक्टर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्टॉक, तो उनको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा ये करंट पोर्टफोलियो में। 15% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट हमें मिले तो 25,000 रुपीज SIP के जरिए उनको 22 साल में उनकी कॉर्पस होगी 5 करोड़ और 17 लाख रुपीज। तो उनकी जो उम्मीद है कि हम 5 करोड़ हमारी राशि हो वो उनको डेफिनेटली मिल सकती है। सो इसी वे उनकी SIP प्लीज कंटिन्यू करें 25,000 या 30,000 के जरिए। जस्ट स्मॉल चेंजेस के आप स्मॉल कैप फंड एक ही फंड इनफ है, अदरवाइज आपकी डुप्लीकेशन हो रही है, आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। जस्ट एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि आप स्मॉल कैप में एक्स्ट्रा अमाउंट डाल रहे हो लेकिन प्रॉबेबली स्टॉक ओवरलैप ज्यादा होगी तो आप एक एक्स्ट्रा कैटेगरी कंटिन्यू कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में विच इज ICICI प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। कविता और राइट प्रमोद शुक्ला जी, फंड्स के नाम अभी नहीं नोट कर पाए हैं आप तो ये चर्चा को वापस सुन सकते हैं YouTube पर। हमारा शो ये जो है जाता है हमारी प्लेलिस्ट में, वहाँ पे भी आप सलाह एक बार सुन सकते हैं। बलभद्र बिरुआ जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर 1.5 करोड़ का टारगेट आपने रखा है अपने लिए 15 साल के बाद। पराग पारे का फ्लेक्सी कैब है आपके पास, क्वांट का एक्टिव, बिरला का निफ्टी 50 है और 3,000 रुपये की आपको SIP और करनी है, राइट सर? ठीक है, निसरीन बताइए क्या होगा इनके लिए सलाह? तो उनको 3,000 बढ़ानी है अपनी SIP को और अभी फिलहाल उनको उनकी इन्वेस्टमेंट्स है पराग पारिक फ्लेक्सी, क्वांट एक्टिव और आदित्य बिरला निफ्टी 50 इक्वल इंडेक्स। तो उनकी फंड्स निपॉन इंडिया स्मॉल कैप आप इंक्लूड कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा 3,000 SIP। करंटली आपकी जो उम्मीद है कि आप 1.5 करोड़ रुपया आपकी राशि को कलेक्ट कर सके, इसके लिए आपको आपकी SIP बढ़ानी पड़ेगी
फिलहाल जो आप 12,000 कर रहे हो वो आपको सारे 22,500 रुपया तक बढ़ानी पड़ेगी, इफ हम कैलकुलेट करें कि आपकी कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट या एक्सपेक्टेड रेट 15% है। ये उम्मीद यू नो ये काफी इंक्रीज है SIP में। हम 12,000 डायरेक्टली सारे 22,000 डिफिकल्ट पड़े, तो आपकी दूसरी ऑल्टरनेटिव है कि आप टेन्योर थोड़ा बढ़ा दें। तो 15 साल के ऑल्टरनेटिव से आप आपकी SIP 18 ईयर्स तक करें, 12,000 तक ही करेंगे और आपको एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 15% का मिल सकता है, तो आप आपकी डेफिनेटली राशि 1.5 करोड़ जो है आप कलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू 1.5 करोड़ हो सकती है। मैं समझ सकती हूँ कि यू नो SIP सडनली इंक्रीज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई भी यू नो आम आदमी को SIP बढ़ाना मुश्किल नहीं, आई मीन मुश्किल है, लेकिन आप टेन्योर तो डेफिनेटली बढ़ा सकते हो। तो 22 साल से थोड़ा आप 15 साल से थोड़ी आप आपकी टेन्योर बढ़ा दे, 18 या 20 ईयर्स तक आप करें, और every 3 ईयर्स आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ऑन ट्रैक जा रहे हो। कविता चलिए, तो बलभद्र जी के लिए ये सलाह है। इस बीच प्रदीप का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने YouTube के ज़रिए सवाल भेजा है और फंड्स के नाम मैं नहीं लूँगी, बहुत सारे फंड्स हैं निसरीन। 48,000 की SIP हालांकि ये कर रहे हैं और 1.1 CR इन 10 ईयर्स, और उसके बाद अगले 4 साल में हालांकि ये बोल रहे हैं 1.2 CR इनको जो है अचीव करना है। अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इनका लक्ष्य है और साथ ही SIP बढ़ाना भी चाहेंगे, 10% की स्टेप अप भी कर सकते हैं अपनी SIP, ये लिखा है इन्होंने, बताइएगा। सुपर, तो मैं उनको डेफिनेटली कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि नॉट ओनली कि उन्होंने SIP शुरू की है, बट उन्होंने स्टेप अप 10% के जरिए एवरी ईयर वो उम्मीद वो प्लान करते हैं कि मेरी SIP 10% बढ़े एवरी ईयर, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, बिकॉज हम भूल जाते हैं कि इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट क्या हो सकती है हमारी पोर्टफोलियो पे। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या हमारी जो रिटेल इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट अबाउट 8 to 10% है, तो हम आप स्टेप अप करेंगे हमारी SIP को बाय 10%, तो डेफिनेटली आप आपकी जो भी गोल्स है, आपकी जो भी उम्मीद है, आप पूरा कर सकेंगे। आपको 10 साल के बाद अबाउट 1.1 करोड़ चाहिए फर्स्ट चाइल्ड की एजुकेशन के लिए, तो एट दैट टाइम आपकी हम कंपाउंड करेंगे 14% तक। हम जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हम कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट फोरकास्ट करते हैं 14% तक, तो आपकी कॉर्पस होगी 2.9 करोड़। उसमें से आप 1.1 करोड़ पहले बच्चे की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, यूज करेंगे, और बाकी के जो पैसे हैं बाकी के 4 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे अलोंग विद द SIP, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी एटलीस्ट अबाउट 4 करोड़ रुपीज। सो इवन एट दैट टाइम आप 14th ईयर पे पर भी आप ये यूजफुल आपकी सेकेंड चाइल्ड की एजुकेशन इजिली मैच कर पाएंगे, और उसके बाद भी आपके रिटायरमेंट के लिए आपके पास अकाउंट में पैसे होंगे आपकी इन्वेस्टमेंट में आपके पोर्टफोलियो में। तो आपने बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग की है, जहां आपने SIP भी बढ़ाई है और आप दोनों बच्चों की एजुकेशन की गोल्स जो अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ है 10 साल के बाद, 14 साल के बाद, और उसके बाद आपकी खुद की रिटायरमेंट के लिए आपके पास काफी राशि होगी। ऑल राइट, चलिए निश्री, इसी के साथ हमारा समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है आज सवाल जवाब के सेशन के लिए। धन्यवाद आपका समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, और हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं मत जाइए, क्योंकि इस चुनावी माहौल में अगर आपके पोर्टफोलियो में उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं, भले ही आपने लंबी अवधि का कोई लक्ष्य बांध रखा हो, लेकिन पोर्टफोलियो पर बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव ज़रूर पड़ता है, और अगर ऐसा है तो आपको जो है ये पेशकश जो है ब्रेक के बाद देखनी है, क्योंकि बजाज फिनसर्व AMC के CIO निमेश चंदन हमारे साथ शो में जुड़े और उन्होंने बहुत बारीक बातें आपको बड़ी आसान भाषा में समझाई है।